हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की जो रेसिपी है वो है काले चने की सब्जी, आप इसे छोला भी कह सकते हैं। और इसे हम बनाने वाले हैं आज ढाबा स्टाइल में। आप इसे नान के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मसालेदार और टेस्टी है ये सब्जी। तो इस रेसिपी को हम चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि डेली न्यू अलग अलग वीडियो पा सकें। तो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले कढ़ाई, और इसमें मैंने तेल गरम कर लिया है डालकर। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच हमें यहाँ पे तेल डालना है। और इसमें अब हम डालेंगे तेज पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, इसे हम डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम जीरा ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जीरा ऐड किया है, और इसे हम बस आधा मिनट के लिए चटकने देंगे। उसके बाद हमें थोड़ा सा चला लेना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होए उसके बाद हमें इसमें हरी मिर्च हम डालेंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्च मैंने यहाँ पे लिया है, और इसमें हम 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। तो मिर्च को हमें सिर्फ आधे मिनट के लिए ही थोड़ा सा चलाकर भून लेना है ताकि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें हमें प्याज डालना है। तो प्याज को मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है, और इसे कट कर लिया है पतले पतले स्लाइसेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मिर्चा है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, और इसमें हम प्याज डालेंगे अब। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, और एक छोटा सा टमाटर काटा है लंबे लंबे पीसेस में। तो इसे हम चला लेंगे, और इसे हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है ताकि जो प्याज का कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। थोड़ा सा इसे हमें अच्छे से पका लेना है। उसके बाद इसमें हम चने डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने चने को उबाल लिया था, ये उबले हुए चने हैं। तो यहाँ पे मैंने चने को उबाल लिया है 1 सीटी कुकर में। तो यहाँ पे भी इसे हम मिक्स कर लेंगे और चलाएंगे साथ में। तो यहाँ पे हमें इसे कम से कम 5 मिनट के लिए भून लेना है अच्छे से, ताकि जो प्याज है और चना है वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे मैं टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ, डाल रही हूँ नमक, ताकि जो हमारा छोला है, जो सब्जी है, उसका टेस्ट नमक से ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर नमक कम हो फ्रेंड्स तो सब्जी का फिर क्या मज़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। आप अगर कम नमक खाते हैं तो आप कम नमक भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है, तो प्लेट को मैंने हटा दिया है, और एक बार चला लेंगे हम इसे। और इसमें अब हम डालेंगे मसाला। तो मसाला यहाँ पे मैंने मिक्स मसाला, खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है, और इसे मैंने जार में डालकर पीस लिया है। अगर आपको जानना है कि कौन से मसाले हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं इससे बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं। मैंने खड़ा, हल्दी, लहसुन, लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, इन सबको एक साथ मैंने पीस लिया था। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है, और मसालों के साथ चने को चला लेंगे, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है ताकि जो मसाला है हमारा वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमारा जो चना का मसाला है ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से हमें चला लेना है। तो गैस को हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा तेज़ कर देते हैं। अभी मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था, तो मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, और बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। तो यहाँ पे जो हमारा चना है वो ग्रेवी इसका सूख चुका है, तो थोड़ा सा ग्रेवी है। तो गैस को यहाँ पे कर लेंगे हम ऑफ, और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपके सामने है, बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे नान या फिर रुमाली रोटी या फिर सिंपल रोटी या पराठा के साथ खा सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आप। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।